हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। मैं निशांत गोयल आप सभी का वेब स्टडी ग्रुप के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। फटाफट जुड़ जाइए सभी बच्चे, जो भी बच्चे मुझे लाइव देख रहे हैं फटाफट जुड़ जाइए। क्लास स्टार्ट हो चुकी है आपकी। आपको बता रहे जैसे कि वीकली करंट अफेयर आपको कराई जाएगी, जिसमें हम पूरे वीक की करंट अफेयर करेंगे। आज सैटरडे है तो इसमें हम संडे से लेकर और सैटरडे तक की सारी करंट अफेयर से क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। फटाफट जो भी बच्चे मुझे लाइव देख रहे हैं फटाफट जुड़ जाइए, क्लास स्टार्ट हो चुकी है हमारी। बिल्कुल सभी का नमस्कार। राहुल वर्मा जी आपका भी, मोनू सिंह नमस्कार, सभी का नमस्कार। इंद्रा यादव नमस्कार, सभी का नमस्कार। आप सभी का वेस्ट स्टडी ग्रुप हार्दिक स्वागत करता है। बिल्कुल अगर सभी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है, सभी बच्चे जुड़ चुके हैं तो फटाफट आप अपना एक थंब का सिंबल दे दीजिए। क्लास स्टार्ट हो चुकी है। सभी का गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी आपके चल रहा है देश में, शहर में, राज्य के अंदर, घर के अंदर, फटाफट जुड़ जाइए सभी बच्चे। स्टार्ट करते हैं। तो वीकली करंट अफेयर के अंदर आज की हमारी जो क्लास शुरू हो रही है, इसमें हम पूरे वीक का करंट अफेयर पढ़ेंगे। वीकली करंट अफेयर के अंदर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आता है हमारी स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी आरटीजीएस और एनईएफटी भुगतान लेन देन के लिए कानूनी आइडेंटिफायर की शुरुआत की है, जो संस्थाओं द्वारा कितने रुपए के लिए ऊपर से की गई है। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 50 करोड़ रुपए। 50 करोड़ रुपए की क्या की गई है, शुरुआत की गई है। और ये जो नियम लागू होगा, ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, ये नियम लागू होगा प्यारे बच्चों 1 अप्रैल 2021 से। क्या लागू होगा, लागू हो जाएगा, ध्यान रखना है 1 अप्रैल 2021 से क्या होगा, ये लागू होगा। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है, इसमें दो वर्ड आए हैं, एक का नाम है एनईएफटी, एक आया है एनईएफटी और एक होता है आरटीजीएस। एक है एनईएफटी और एक है आरटीजीएस। आप सभी ने इन दोनों के बारे में सुना होगा। इन दोनों का यूज करते हैं बैंक के अंदर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने के लिए। एनईएफटी होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। और आरटीजीएस होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इन दोनों का यूज करते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने के लिए, ऑनलाइन पेमेंट्स का भुगतान करने के लिए। जैसे आपने पेटीएम का नाम सुना होगा, फोन पे का नाम सुना होगा, उसी प्रकार से बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन करने के लिए किसका यूज करते हैं, एनईएफटी और आरटीजीएस का यूज किया जाता है। ध्यान रखना है एनईएफटी और आरटीजीएस, इन दोनों का यूज करते हैं किसके लिए, बैंक के अंदर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने के लिए इनका यूज किया जाता है। ध्यान रखना है एनईएफटी और आरटीजीएस। एनईएफटी क्या होती है प्यारे बच्चों, ये सस्ती होती है, इसके अंदर ज्यादा चार्ज नहीं लगता, ये सस्ती होती है। आरटीजीएस क्या होती है, महंगी होती है। आरटीजीएस क्या होती है, महंगी होती है। इनका यूज करते हैं ऑनलाइन पेमेंट को ट्रांसफर करने के लिए। मान लेते हैं एक पर्सन है मिस्टर ए, ये बैठा है दिल्ली के अंदर, और एक पर्सन है मिस्टर बी, और एक दूसरा पर्सन है मिस्टर बी, ये बैठा है जयपुर के अंदर, ये बैठा है जयपुर के अंदर। तो दिल्ली वाला पर्सन जयपुर वाले पर्सन को क्या भेजेगा, पैसे ट्रांसफर करने हैं। तो पैसे ट्रांसफर करने के लिए अगर वो बैंकिंग का यूज करता है तो बैंक में यूज करते हैं एनईएफटी का या आरटीजीएस का यूज किया जाता है, ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 50 करोड़ रुपए, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि उच्च न्यायालय, आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही के अंदर भारत सरकार द्वारा काफी स्टेट्स के हाई कोर्ट के जज चेंज कर दिए हैं, काफी स्टेट्स के हाई कोर्ट के जजों को चेंज कर दिया गया है। तो काफी इंपोर्टेंट पोस्ट रहती है ये, फटाफट आप सभी का आंसर आना चाहिए। आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट के नए जज कौन बने हैं, आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं,
ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, राहुल कौशिक, रजत अग्रवाल, विनय कुमार, अरूप कुमार गोस्वामी। फटाफट सभी का आंसर आना चाहिए, फटाफट सभी का आंसर आना चाहिए। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? फटाफट सभी का आंसर आना चाहिए। तो एक स्टेट है प्यारे बच्चों आंध्र प्रदेश, ध्यान रखना है, एक स्टेट है जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से एक बात याद आती है कि भारत के अंदर तीन राजधानियों वाला पहला राज्य कौन सा बना है? आंध्र प्रदेश बना है। आंध्र प्रदेश की तीन राजधानियां हैं अमरावती, अमरावती विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। क्या है? कुर्नूल। तो भारत के अंदर तीन राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? वो बना है आंध्र प्रदेश बना है। और भारत के अंदर 25वें नंबर की 25th नंबर की हाई कोर्ट भी कहां पर खुली थी? अमरावती के अंदर खुली थी। 25th नंबर की हाई कोर्ट कहां पर खुली है? अमरावती के अंदर खुली है। करंट का क्वेश्चन यह है कि अमरावती की हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो इसके चीफ जस्टिस बने हैं अरूप कुमार गोस्वामी। कौन बने हैं? अरूप कुमार गोस्वामी बने हैं, ध्यान रखना है आप सभी ने। ये आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट के क्या बने हैं? जज बने हैं। आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट के जज बने हैं, ध्यान रखना है। इन्हें शपथ किसने दिलाई है? इन्हें शपथ दिलाई है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल। आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन है। इन्होंने क्या दिलवाई है? इसे शपथ दिलवाई है, ध्यान रखना, किसकी? हाई कोर्ट के जज की। इन्हें क्या दिलाई है? शपथ दिलाई है। क्योंकि हाई कोर्ट के जज को शपथ कौन दिलाता है? उस स्टेट का गवर्नर दिलाता है। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन है। और आंध्र प्रदेश के करंट टाइम पे सीएम कौन है? तो जगन मोहन रेड्डी है, ध्यान रखना है। कौन है? जगन मोहन रेड्डी है। कम से कम आपको इतनी चीज पता हो हर एक स्टेट के बारे में। आंध्र प्रदेश के सीएम है जगन मोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन, और आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट के जज बने नए अरूप कुमार गोस्वामी। और भारत के अंदर तीन राजधानी वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? आंध्र प्रदेश बना है, जिसकी तीन राजधानियां हैं अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। इसकी तीन राजधानियां बनी है, बिल्कुल ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अरूप कुमार गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आता है थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है, निम्नलिखित में से कौन अगले अमेरिकी अटॉर्नी जनरल को राष्ट्रपति चुनाव जो बाइडन के द्वारा नामित करेंगे? तो कौन है? तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर बी, मैरिक गार्डलैंड। मैरिक गार्डलैंड को क्या किया गया? अपॉइंट किया गया, नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति चुनाव जो हुए थे आपने देखा होगा, उसके अंदर जो बाइडन अमेरिका के 46 नंबर के क्या बन चुके हैं? राष्ट्रपति बन चुके हैं, ठीक है। और जो बाइडन ने न्यायाधीश मैरिक गार्डलैंड को क्या किया? अगले अमेरिकी अटॉर्नी जनरल के रूप में क्या किया है? नॉमिनेट किया है, नामित किया है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैरिक गार्डलैंड, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आता है फोर। क्वेश्चन नंबर फोर आता है कि आंध्र प्रदेश में दो सड़क परियोजनाओं के लिए यूएसडी 646 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो किस बैंक के साथ ये ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ किया क्या है? ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ध्यान रखना है। ऋण समझौते पर क्या किए हैं? हस्ताक्षर किए हैं, बिल्कुल। सभी जनों का स्वागत है, बिल्कुल मोना सिंह जी, हां जी। अब क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों बाई लैंग्वेज मिलेंगे, बिल्कुल। अरूप कुमार गोस्वामी बने, हरपाल जी बिल्कुल सही है, गोस्वामी बिल्कुल, अमरावती कुर्नूल बिल्कुल सही है, हरपाल जी आपका आंसर। हां जी, ट्रंप को दूसरी बार लगा है महाभियोग लगा है, बिल्कुल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ क्या किया है? समझौता किया है 646 मिलियन डॉलर पर, क्या किया है? इन्होंने समझौता किया है। बात करें एडीबी की, फटाफट मुझे आंसर देकर बताइए एडीबी का हेड ऑफिस कहां पर है? एडीबी का हेड ऑफिस मुख्यालय कहां पर है? फटाफट आंसर चाहिए, एडीबी का हेड ऑफिस, एडीबी का मुख्यालय कहां पर है? फटाफट सही बच्चों का आंसर आना चाहिए। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेड ऑफिस कहां पर है?
बिल्कुल हरपाल जी कह रहे हैं, हाँ मनीला फिलीपींस, विष्णु तोमर जी बिल्कुल आपको गुड इवनिंग, स्वागत करता है वे स्टडी ग्रुप आपका। फटाफट बताइए एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी का हेड ऑफिस कहां पर है? तो एडीबी मतलब है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। जिस प्रकार से वर्ल्ड बैंक बनाया गया था वर्ल्ड के अंदर कंट्रीज को लोन देने के लिए, उसी प्रकार से एडीबी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, बिल्कुल ध्यान रखना है। एशियन डेवलपमेंट बैंक इसकी स्थापना हुई थी 1966 के अंदर, ध्यान रखना है इसकी एस्टैब्लिशमेंट की गई थी 1966 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। और करंट टाइम पे अगर बात करें इसका हेड ऑफिस कहां पर है, इसका हेड ऑफिस है मनीला फिलीपींस के अंदर, इसका हेड ऑफिस है, ध्यान रखना है। और फिलीपींस की कैपिटल क्या है? मनीला है, ध्यान रखना है। फिलीपींस की कैपिटल क्या है? मनीला है, बिल्कुल हरपाल राम जी कह रहे हैं, अक्साना मनीला बिल्कुल फिलीपींस, उपाध्यक्ष अशोक लवासा बिल्कुल सही है। और बात करें करंट का क्वेश्चन आता है एडीबी के वाइस चेयरमैन के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है, तो एडीबी के वाइस चेयरमैन कौन बने हैं? अशोक लवासा बने हैं, ध्यान रखना है कौन बने हैं? अशोक लवासा बने हैं। अशोक लवासा इससे पहले क्या थे? इससे पहले ये क्या थे? सहायक चुनाव आयुक्त थे, ध्यान रखना है। इससे पहले क्या थे? ये सहायक चुनाव आयुक्त थे। और करंट में ये सहायक चुनाव आयुक्त से क्या बन गए हैं? एडीबी के वाइस चेयरमैन बन चुके हैं, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखना है, बिल्कुल सभी का आंसर सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे हम पहुंच चुके हैं कि जर्मन प्रौद्योगिकी फर्म SAP SE भारत में ग्राहकों को स्थानीय बनाने और मल्टी क्लाउड वातावरण को लचीलेपन की पेशकश करने के लिए निवेश करेगी। तो जो कंपनी है जर्मनी की वो भारत के अंदर कितने करोड़ रुपए का निवेश करेगी? तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 500 करोड़ रुपए का क्या करेगी? निवेश करेगी, ध्यान रखना है 500 करोड़ रुपए का क्या करेगी? निवेश करेगी, बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 500 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर सिक्स, निम्नलिखित में से किसे तेलंगाना के आम सहायक आम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी मैंने आपको लिखाया काफी स्टेट्स के अंदर हाई कोर्ट के जज को चेंज किया गया है, काफी स्टेट्स के अंदर अभी हाल ही के अंदर हाई कोर्ट के जज को चेंज किया गया है, ध्यान रखना है काफी स्टेट्स के अंदर किया गया ये चेंजमेंट। तो बात आते हैं तेलंगाना, तेलंगाना क्या है? भारत का अंतिम राज्य था, ध्यान रखना है भारत का अंतिम राज्य या 29वां राज्य कौन सा बना था? तो वो था तेलंगाना। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से कब अलग हुआ? 2 जून 2014 को क्या हुआ? तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया जाता है, तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है, ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। और करंट टाइम की अगर बात करें तो जस्टिस हेमा कोहली को क्या किया गया है? अपॉइंट किया गया है तेलंगाना के उच्च न्यायालय के रूप में, ध्यान रखना है तेलंगाना उच्च न्यायालय के रूप में इसे अपॉइंट किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेमा कोहली, ध्यान रखना है हेमा कोहली हैं जिन्हें तेलंगाना हाईकोर्ट का क्या हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। इन्हें शपथ दिलाई है वहां की गवर्नर, तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तमिली साई सुंदराजन है तेलंगाना की गवर्नर। और इन्होंने ही क्या दिलाई है हेमा कोहली को, क्या दिलाई है? शपथ दिलाई है किसकी? चीफ जस्टिस की। और तेलंगाना के अगर बात करें हम सीएम, तो तेलंगाना के सीएम है के चंद्रशेखर राव, कौन है प्यारे बच्चों? के चंद्रशेखर राव है तेलंगाना के करंट टाइम पे मुख्यमंत्री, और गवर्नर है वहां की तमिली साई सुंदराजन, बिल्कुल हेमा कोहली है तेलंगाना की नई बन चुकी है हाईकोर्ट की जज, कौन बनी है? ध्यान रखना है हेमा कोहली है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस हेमा कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 पे पहुंच चुके हैं, निम्नलिखित में से किसने सबरीमाला विजया कोशम नामक पुस्तक लिखी है? तो ऋषि वर्मा है, नीना रॉय है, एक एस विश्वनाथ है, विजयनाथ है, माधव भंडारी है। तो किसने ये बुक लिखी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आता है, के एस विजयनाथ ने लिखी है ये बुक सबरीमाला विजया कोशम, ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी।
केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, केरल के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है, जिन्होंने इस बुक का क्या किया है? विमोचन किया है। क्या किया था? इस बुक का इनोग्रेशन किया था, विमोचन किया था। और सबरीमाला विजयन कोशम नामक इस बुक के लेखक कौन है? तो वो है के एस विजयनाथ है। ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किसे अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? इसमें से किसे नियुक्त किया गया है अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फटाफट आंसर चाहिए मुझे, किसे नियुक्त किया गया है? बिल्कुल हरपाल राम जी बिल्कुल सही है, हिमा कोहली सीएम है, पिनाराई विजयन बिल्कुल सही है। केरल के सीएम कौन है? पिनाराई विजयन है। और केरल के जो गवर्नर है वो है आरिफ मोहम्मद, ध्यान रखना है आरिफ मोहम्मद है केरल के गवर्नर, और वहां के सीएम है पिनाराई विजयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे कि किसे अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? फटाफट आंसर चाहिए इस क्वेश्चन का, क्या आंसर होगा? फटाफट आंसर बताइए। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज अय्यर को नियुक्त किया गया है। ध्यान रखना है राज अय्यर को क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में। और बात करें हमारे भारत के अंदर, हमारे भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? मुख्य चीफ इलेक्शन कमीशन कौन, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन कौन है? फटाफट आंसर देकर बताइए, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन कौन है? मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? फटाफट आंसर चाहिए मुझे, करंट टाइम पे हमारे मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? मुख्य सूचना आयुक्त कौन है हमारे करंट टाइम पे? चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, सीआईसी जिसे कहते हैं, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन मुख्य सूचना आयुक्त कौन है करंट टाइम पे? फटाफट आंसर चाहिए मुझे, फटाफट आंसर चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल हरपाल राम जी का आंसर आया है यशवर्धन सिन्हा, ठीक है बिल्कुल सही है यशवर्धन सिन्हा। हमारे करंट टाइम पे सीआईसी चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन कौन है? तो ध्यान रखना है यशवर्धन कुमार सिन्हा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है प्यारे बच्चों, क्या कहता है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के पहले उन्नत अनुमानों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। तो एनएसएसओ, नाम सुना होगा, नेशनल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा, ये एनएसओ। देखिए मैं आपको थोड़ी इसके बारे में डिटेल लिखवा देता हूं। हमारे एक इंडिया में डिपार्टमेंट था जिसका नाम था एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की गई थी 1950 के अंदर। और एक डिपार्टमेंट बनाया गया था सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना की गई थी 1951 के अंदर। एनएसएसओ क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना की गई थी 1950 के अंदर। और सीएसओ है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसकी स्थापना की गई थी 1951 के अंदर। एनएसएसओ का काम क्या था? भारत देश में गरीबी व बेरोजगारी के आंकड़े जारी करना, गरीबी व बेरोजगारी के आंकड़े जारी करना। और एनएसएसओ का काम क्या था? नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करना, क्या करना? नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करना। लेकिन अब करंट टाइम पे एनएसएसओ प्लस सीएसओ इन दोनों को मिलाकर एक नया डिपार्टमेंट बना दिया, इसका नाम क्या रखा है? एनएसओ रखा गया है, ध्यान रखना है। तो इन्हें मर्ज कब किया गया? तो 2019 के अंदर इन्हें मर्ज कर एक नया डिपार्टमेंट बनाया गया, जो आपके सामने क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के पहले उन्नत अनुमानी के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के अंदर भारत की जीडीपी की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। बिल्कुल यशवर्धन जी है बिल्कुल सही है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है एनएसओ, नेशनल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कब बनाया गया था? 2019 के अंदर। इन दोनों को मर्ज कर क्या बना दिया गया? एक बना दिया गया। और इसने अनुमान लगाया है कि 2020-21 के अंदर भारत की जीडीपी
कितनी रहने का अनुमान लगाया है? तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 7.7% क्या लगाया है? अनुमान लगाया है 7.7% अनुमान लगाया है कि भारत के अंदर कितनी जीडीपी रहेगी 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर के अंदर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 आता है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से कौन आरबीआई द्वारा गठित अमंग कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर का गठन करेंगे जो विनिमय संस्थाओं पर निगरानी और मजबूती को प्रदान करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एनएस विश्वनाथन, जो क्या थे? आरबीआई के डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं, एनएस विश्वनाथन है, ध्यान रखना है। और इन्हीं को क्या बनाया गया है? सुपरवाइजर का क्या गया? गठन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एनएस विश्वनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आता है 11, निम्नलिखित में से किस बैंक ने अपने परिसर में इनोवेशन फिटनेस इनोवेशन सेंटर शुरू करने के लिए आईआईटी कानपुर के साथ सहयोग किया है? तो निम्नलिखित में से किस बैंक ने अपने परिसर के अंदर अपने जो उसका ऑफिस वगैरह है उसमें इनोवेशन के लिए फिटनेस इनोवेशन सेंटर शुरू करने के लिए आईआईटी कानपुर के साथ क्या किया है? समझौता किया है। तो कौन सा बैंक है? तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पंजाब नेशनल बैंक। ऑप्शन नंबर डी आता है, पंजाब नेशनल बैंक इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पंजाब नेशनल बैंक के साथ क्या किया है? समझौता किया है। पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो यह भारत का पहला बैंक था, पहला इंडियन बैंक कौन सा था? पंजाब नेशनल बैंक, ध्यान रखना है। फर्स्ट इंडियन बैंक कौन सा था? पंजाब नेशनल बैंक। पहला भारतीय बैंक कौन सा था? पंजाब नेशनल बैंक था। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब की गई प्यारे बच्चों? तो ध्यान रखना है, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई थी 1894 के अंदर। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1894 के अंदर की गई थी। और इसका हेड ऑफिस कहां पर था? तब लाहौर के अंदर था। करंट टाइम पे बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक का हेड ऑफिस कहां पर है? तो इसका हेड ऑफिस है प्यारे बच्चों न्यू दिल्ली के अंदर है। इसका करंट टाइम पे हेड ऑफिस कहां पर है? न्यू दिल्ली के अंदर है। और पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक के करंट टाइम पे एमडी और सीईओ कौन है? ध्यान रखना है, एसएस मल्लिका अर्जुन राव। कौन है? एसएस मल्लिका अर्जुन राव, मल्लिका अर्जुन राव है करंट टाइम पे पंजाब नेशनल बैंक के एमडी एंड सीईओ। और बात करें पंजाब नेशनल बैंक के अंदर किन बैंकों को मर्ज किया गया है, तो ओबीसी और यूनाइटेड बैंक, ओबीसी और यूनाइटेड बैंक को क्या कर दिया गया है? पंजाब नेशनल बैंक के अंदर मर्ज कर दिया गया, ध्यान रखना है। पंजाब नेशनल बैंक के अंदर किन बैंकों को मर्ज किया गया है? ओबीसी बैंक और यूनाइटेड बैंक को मर्ज कर एक बैंक बना दिया गया जिसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आता है 12। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर, विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? सभी को पता है वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है? फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए मुझे। बहुत बार आपको यह करवाया हुआ मैंने डेज के अंदर, सभी बच्चों को कराया हुआ है। फटाफट बताइए वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है? सभी का आंसर आना चाहिए, वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है? सभी का आंसर चाहिए फटाफट, वर्ल्ड हिंदी डे, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? जो भी बच्चे लाइव देख रहे हैं फटाफट आंसर करिए, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? जागो बच्चों जागो, जब तक सिलेक्शन ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, और संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल राहुल वर्मा जी कह रहे हैं 10 जनवरी को मनाया जाता है। फटाफट आंसर दीजिए कि वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस। तो ध्यान रखना है यह कब मनाया जाता है, हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड हिंदी डे। वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। और 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड लाफ्टर डे मनाया जाता है। वर्ल्ड लाफ्टर डे भी कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को ही मनाया जाता है। ध्यान रखना ये दोनों डे कब होते हैं? 10 जनवरी के अंदर इन्हें बनाया जाता है। वर्ल्ड हिंदी डे बनाया जाता है 10 जनवरी को। वर्ल्ड हिंदी डे की शुरुआत कब की गई थी?
पहली बार यह दिवस कब बनाया गया था? तो पहली बार बनाया गया था 10 जनवरी 2006 के अंदर पहली बार विश्व हिंदी दिवस बनाया गया था। ध्यान रखना है 10 जनवरी को क्या बनाया गया था, 10 जनवरी 2006 को पहली बार विश्व हिंदी दिवस बनाया गया था। और इसी के साथ आपको याद रखना है 14 सितंबर को क्या बनाया जाता है, नेशनल हिंदी डे बनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस बनाया जाता है। कब? 14 सितंबर को बनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ध्यान रखना है फटाफट, ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 ध्यान रखना है, 14 सितंबर 1949 को क्या किया था, हमने हिंदी भाषा को अपनाया था। ध्यान रखना है हिंदी भाषा को अपनाया था। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है 10 जनवरी से एक दिन पहले होता है 9 जनवरी, 9 जनवरी को क्या बनाया जाता है, एनआरआई डे बनाया जाता है। ध्यान रखना है एनआरआई डे बनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को बनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। इस दिन क्या हुए थे, महात्मा गांधी पहली बार भारत आए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आता है 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, निम्नलिखित में से किस एसेट मैनेजर कंपनी ने हैश पैसा को रोको मत नामक निवेश जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो किस एसेट मैनेजमेंट कंपनी एएमसी ने हैश पैसा रोको मत नामक निवेशक जागरूकता अभियान को क्या किया है, शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी, आईडीएफसी म्यूचुअल फंड ने क्या किया है, हैश पैसे को रोको मत नामक एक निवेशक जागरूकता अभियान शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि देश का नाम बताइए जिसने फतेह वन नाम का एक सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है, स्वदेशी रूप से विकसित निर्देशित मल्टी लॉन्च रॉकेट प्रणाली है, तो किसने लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान देश ने अपना एक परीक्षण लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, फतेह वन। ध्यान रखना है पाकिस्तान, और पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, और करेंसी है वहां की रूपी, और प्राइम मिनिस्टर है वहां के, प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, इमरान खान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 आता है कि प्रसिद्ध व्यक्तित्व सत्यपाल का हाल ही में निधन हो गया है, वे कौन थे, किस फील्ड से बिलोंग करते थे, एक्टर थे, फैशन डिजाइनर थे, कोरियोग्राफर थे, या म्यूजिक डायरेक्टर थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर बी, वो एक फैशन डिजाइनर थे सत्यपाल, जिनका क्या हो गया अभी 79 ईयर की उम्र में क्या हो गया, उनका देहांत हो गया, 79 ईयर की एज में क्या हो गया, उनका डेथ हो गई है। बिल्कुल कंप्यूटर की दुनिया, आपको गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। बिल्कुल राहुल वर्मा जी, बिल्कुल सही आपका आंसर, जो सत्यपाल थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो क्या थे, एक फैशन डिजाइनर थे, जिनका 79 ईयर की एज में क्या हो गया है, देहांत हो गया। ध्यान रखना आंसर आता है फटाफट, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिए ताकि पता चले आपकी कितनी तैयारी है, करंट अफेयर आप कितना पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 आता है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने कृषि खेतों में मिट्टी पानी का अध्ययन कराने और कीट नियंत्रण के उपाय सुलझाने के लिए कृषि संजीवनी वैन शुरू की है? तो कौन से राज्य ने कृषि संजीवनी वैन शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए फटाफट, सभी का आंसर बिल्कुल हरपाल राम जी, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल सही है, 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को क्या हुआ था, महात्मा गांधी पहली बार भारत आए थे, ठीक है। तो जब वो भारत आए तो उनके भारत आने के अंदर क्या मनाया जाता है, एनआरए डे के रूप में मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कृषि संजीवनी जो वैन थी वो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है, केरल के द्वारा, पंजाब के द्वारा, कर्नाटक के द्वारा, या उत्तर प्रदेश के द्वारा? फटाफट आंसर चाहिए, किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है? तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य के द्वारा कृषि संजीवनी वैन को क्या किया गया, शुरू किया गया है। और कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के सीएम हैं आप सभी को पता है, येदुरप्पा। कर्नाटक के सीएम कौन है, येदुरप्पा।
इन्होंने क्या किया, इस वैन को शुरू किया। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है, तो कर्नाटक के गवर्नर है बज्जू भाई वाला। कर्नाटक के गवर्नर कौन है प्यारे बच्चों, बज्जू भाई वाला है। और कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसने राइडर अंडर ओवर एज ओवर नोज नामक पुस्तक लिखी है। तो किसने बुक लिखी है, राइडर अंडर ओवर नोज बुक किसने लिखी है, इस बुक के राइटर हैं कौन, बी आर गिरिधरन। ऑप्शन नंबर इसके अंदर आता है, ऑप्शन नंबर आता है बी कि आर गिरिधरन है जिन्होंने क्या लिखी है, राइट अंडर ओवर नोज नामक पुस्तक लिखी है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसे गुवाहाटी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है सुधांशु धूलिया को क्या नियुक्त किया गया है, गुवाहाटी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुधांशु धूलिया को नियुक्त किया गया है गुवाहाटी हाई कोर्ट का जज। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 आता है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से किसे भारत के ब्रिटिश उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, कि भारत के अंदर ब्रिटेन के उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर एलिस को क्या किया गया, नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर सी आता है, अलेक्जेंडर एलिस को नियुक्त किया गया है ब्रिटिश उच्चायुक्त के रूप में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 आता है कि निम्नलिखित में से कौन वैश्विक फार्मा कंपनी स्ट्राइड्स ग्रुप में सलाहकार के रूप में शामिल किए गए हैं, आदित्य पुरी को, केवी कॉम्स को, डीपी पारेख को या अमिताभ चौधरी को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है एचडीएफसी बैंक के पूर्व एमडी और चेयरमैन रह चुके हैं आदित्य पुरी। आदित्य पुरी को नियुक्त किया गया है कि स्ट्राइक्स ग्रुप में सलाहकार के रूप में, एडवाइजर के रूप में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आदित्य पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आता है 21, केंद्र ने नई राज्य राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है जिनका मूल्य है कितने करोड़ की मूल्यों के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी, 5,801 करोड़ रुपए को क्या दे दी है, मंजूरी दे दी गई है। और हमारे मंत्री कौन है, नितिन गडकरी हैं जो इस काम के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आता है 22 क्वेश्चन नंबर कहता है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने भारतीय सेना के साथ बल के कर्मियों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो किस बैंक के साथ हस्ताक्षर किए हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी आता है, बंधन बैंक के साथ क्या किया है, हस्ताक्षर किए हैं। बंधन बैंक क्या देगा, भारतीय सेना के अंदर जो जवान होंगे, जो कर्मी होंगे उनके, उन्हें क्या देगा, बैंकिंग सेवाएं क्या करेगा, प्रदान करेगा, ताकि उनके अंदर उन्हें 0% बैलेंस पर अपना खाता खुलवा सकें, बैंक की तरफ से काफी सारा फैसिलिटी दी जा सके। तो ये शुरुआत करेगा बंधन बैंक। और बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी, 2015 के अंदर बंधन बैंक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 23 आता है हमारे सामने कि ब्लूमबर्ग जो है बिलियोर्स इंडेक्स के अनुसार किसे जनवरी 2021 के अंदर पहली बार दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं। तो जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर एलोन मस्क क्या बन चुके हैं, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति, दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति बन चुके हैं। टेस्ला इंक और स्पेस एक्स के सीईओ कौन है, एलोन मस्क है, जो क्या बन चुके हैं, दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राहुल वर्मा जी आपका आंसर बिल्कुल सही है। ये क्या है, टेस्ला इंक और स्पेस एक्स के क्या है, सीईओ है, जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं। और सेकेंड नंबर पर आ चुके हैं जेफ बेजोस। जेफ बेजोस कौन है, अमेजन कंपनी के सीईओ एंड डेवलपर कौन है, जेफ बेजोस है, जो सेकंड नंबर पर आ चुके हैं। और फर्स्ट पर कौन आ गए हैं, एलोन मस्क आ चुके हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राहुल वर्मा जी। हार्दिक वर्ष बिल्कुल गुड इवनिंग, आपका स्वागत करते हैं हार्दिक वर्ष का। जो भी बच्चे आ रहे हैं उन सभी का वेस्ट स्टडी ग्रुप हार्दिक स्वागत करता है। बिल्कुल, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी, करंट का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलोन मस्क को क्या नियुक्त किया गया, ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी के रूप में बन गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 24 आता है हमारे सामने। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा सुपरवाइजर कॉलेज सीओएस की स्थापना की गई थी, जो प्रवेश स्तर पर और निरंतर आधार पर आरबीआई के विनियामक और पर्यवेक्षणी कर्मचारियों के बीच एक कौशल को बढ़ावा देने के लिए और मजबूती प्रदान करने के लिए शुरुआत की गई थी। तो सीएसओ के पूर्वकालीन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सीओएस का मतलब होता है सुपरवाइजर कॉलेज, तो इसके अंदर किसे अपॉइंट किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी आता है, रवि नारायण मिश्रा को क्या किया गया, अपॉइंट किया गया है, ऑप्शन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 25 आता है कि फोन पे ने निम्नलिखित में से किस जीवन बीमा कंपनी के साथ अपने मंच पर टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान को लॉन्च किया है? तो काफी सारी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, बिरला सन लाइफ है, भारतीय एक्सा है, आईसीआईसीआई है, बजाज है और काफी सारी कंपनियां हैं। तो फोन पे ने अपने प्लेटफॉर्म पर किस इंश्योरेंस कंपनी के प्लान को लॉन्च किया है? तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप कर उसका इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर सी आता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 26 आता है, दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है, जो वर्ष 2022-23 तक बिजली उत्पादन करने के लिए तैयार किया जाएगा। तो कितने मेगावाट का यह प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है? तो फटाफट आंसर चाहिए, कितने मेगावाट का यह प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है? 400 मेगावाट का है, 600 मेगावाट का है, 550 मेगावाट है या 650 मेगावाट का है? तो कितने मेगावाट का यह प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, जो 2022-23 तक बिजली उत्पादन करने की क्या करेगा, तैयारी करेगा? तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 600 मेगावाट तक इसे तैयार किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किसे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF का पहला उप महासचिव नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है पहला उप महासचिव? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अभिषेक यादव को नियुक्त किया गया है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का पहला उप महासचिव, जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया अभिषेक यादव को, ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 28 आता है कि निम्नलिखित में से किसे उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो उत्तराखंड की हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया राघवेंद्र सिंह चौहान, ऑप्शन नंबर डी आता है, राघवेंद्र सिंह चौहान को क्या नियुक्त किया गया है? उत्तराखंड हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। और राघवेंद्र सिंह चौहान इससे पहले कहां के थे? तेलंगाना हाई कोर्ट के थे। और तेलंगाना हाई कोर्ट पर अब कौन आ गई है? तो हिमा कोहली आ गई है तेलंगाना हाई कोर्ट की, और राघवेंद्र सिंह चौहान तेलंगाना से कहां पर आ गए हैं? उत्तराखंड हाई कोर्ट के अंदर आ गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राघवेंद्र सिंह चौहान, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 29 आता है हमारे सामने कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई 15 जनवरी 2021 को कितने रुपए की अधिसूचित राशि के लिए एक परिवर्तनीय दर प्रतिवर्ती रेपो की क्या करेगा, नीलामी करेगा, ऑप्शन करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी, 2 लाख रुपए की क्या करेगा, नीलामी करेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आता है 30 हमारे सामने कि प्रसिद्ध व्यक्तित्व माधव सिंह सोलंकी का क्या हो गया, अभी हाल ही में निधन हो गया है, वो क्या थे? माधव सिंह सोलंकी एक एक्टर थे, लेखक थे, राजनेता थे या सोशल एक्टिविस्ट थे? तो एक माधव राज सोलंकी जो थे वो एक राजनेता थे, ध्यान रखना है पॉलिटिशियन थे, जिनका हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पॉलिटिशियन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आता है 31, निम्नलिखित में से किस राज्य में पैड लॉन्च पैड योजना लड़कों और लड़कियों के लिए शुरू की जा रही है, जो बाल देखभाल संस्थाओं से बाहर आ रहे हैं और 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं? जो भी बच्चे किशोरावस्था प्राप्त कर रहे हैं, मतलब 18 साल से जिनकी एज ऊपर आ रही है, तो उन लड़के और लड़कियों के लिए एक पैड लॉन्च पैड योजना क्या की गई है, शुरू की गई है?
तो कौन से स्टेट के द्वारा शुरू की गई है? गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है? फटाफट आंसर चाहिए, जो भी बच्चे मुझे लाइव देख रहे हैं फटाफट क्वेश्चनों के आंसर आप देते रहिए, तो पता लगता रहे आपकी तैयारी कैसे चल रही है कैसे नहीं चल रही है। फटाफट आंसर देकर बताइए कि जो बच्चे 18 एज पूरी कर चुके होते हैं उनके लिए पेड लॉन्च पेड योजना शुरू की गई है लड़कियों लड़कियों के लिए। तो ये जो योजना है वो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है? तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के द्वारा इस योजना को क्या किया गया, शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या था कि युवाओं को एक मंच प्रदान करना, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, जिसके माध्यम से क्या कर सके, वो अपना शिक्षा का विस्तार कर सके, अपना कौशल स्किल का डेवलपमेंट कर सके, उसके लिए शुरू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आता है 32। निम्नलिखित में से किसने सूरत के अंदर आई लैब स्थित उधना में सूरत नगर निगम के एक प्रवासी श्रमिक सेल का उद्घाटन किया है? तो सूरत में एक आई लैब सूरत नगर निगम के एक प्रवासी श्रमिक सेल का उद्घाटन किया है, तो इसका उद्घाटन किया है हमारे हमारे देश के पेट्रोल मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है जिन्होंने क्या किया, इसका उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी, धर्मेंद्र प्रधान ने क्या किया है, उसका उद्घाटन किया है। तो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सूरत के अंदर आई लैब स्थित उधना के अंदर सूरत नगर के अंदर एक प्रवासी कार्यकर्ता सेल का क्या किया है, उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी, धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने ब्रेकर नामक एक लोकप्रिय पॉडकास्ट ऐप का अधिग्रहण किया है? तो व्हाट्सएप है, ट्विटर इन है, फेसबुक है, फ्लिपकार्ट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आता है, ट्विटर इंक। ट्विटर इंक ने क्या किया है, शुरू किया है एक ब्रेकर नाम का पॉडकास्ट ऐप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर आएगा बी, ट्विटर इंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आता है 34। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने डैश की 10वीं साप्ताहिक किस्त जारी करी है, जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए राज्यों को कितना दिया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, इसके अंदर आएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी आता है हमारा, 6,000 करोड़ रुपीज क्या करेगी। आपको ध्यान होगा भारत सरकार ने जीएसटी लागू किया था, कहा था कि 5 साल तक अगर जीएसटी के अंदर राज्य सरकार घाटे में जाती है तो उन्हें पैसा केंद्र सरकार देगी। तो इसके अंदर केंद्र सरकार द्वारा कितना दिया गया है, 6,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आता है 35 कि डीआरडीओ और मेट्रो रेल नेटवर्क ने मानव अपशिष्ट के अपवास के लिए उन्नत बायोडाइजेस्ट एमके सेकंड तकनीक को लागू करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ किए हैं, महामेट्रो, दिल्ली मेट्रो, कोलकाता मेट्रो या जयपुर मेट्रो के साथ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए, महामेट्रो के साथ क्या किया है, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर आता है 36 आता है कि 5 दिवसीय राष्ट्रीय लोक नृत्य महोत्सव 2020 भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? तो 5 दिनों का एक नेशनल जो फोक डांस कंपटीशन था, फेस्टिवल था, ये भारत के किस शहर में आयोजित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू के अंदर क्या किया गया, उसे आयोजित किया गया। ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू के अंदर इसे आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आता है 37। क्वेश्चन नंबर 37 कहते हैं फसाई, FSAI, फसाई फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फसाई ने 2021 तक तेल और वसा में ट्रांस फैटी एसिड TFA की मात्रा को कितने परसेंट तक सीमित कर दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी, 3% तक क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। फसाई भारत के अंदर जो खाने पीने की वस्तुएं होती है उन्हें इंडिया में आने की परमिशन कौन देता है, वो देती है फसाई। फसाई का काम ही है कि खाने पीने की वस्तुओं को इंडिया में आने की परमिशन देना। तो
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आता है 38। भारत सरकार और किसके बीच भारत में अंतरदेशीय जल परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए $105 मिलियन की ऋण परियोजना पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए, विश्व बैंक के साथ क्या किया है, एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। और वर्ल्ड बैंक का हेड ऑफिस है वॉशिंगटन डीसी के अंदर है, और करंट टाइम पे वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन कौन है, डेविड मालपास है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर हम क्वेश्चन नंबर 39 आता है हमारे सामने, कि विश्व बैंक की जनवरी 2021 की वैश्विक आर्थिक संभावनाओं की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में आउटलुक का अनुमान कितना है, कितना आउटलुक का अनुमान लगाया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर बी आता है, 9.6% का क्या लगाया है, अनुमान लगाया है भारत की वृद्धि दर के अंदर 9.6% का अनुमान लगाया है। किसने लगाया है, वर्ल्ड बैंक ने लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उस व्यक्ति का नाम जिसे हाल ही में उप सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है, तो कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने उप सेना प्रमुख के रूप में अपना कार्यभार संभाला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर बी, शांतनु दयाल। शांतनु दयाल ने क्या संभाला है, अपना उप सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। और अभी हाल ही में 15 जनवरी को क्या बनाया गया था, आर्मी डे बनाया गया था। ध्यान रखना है 15 जनवरी को क्या बनाया जाता है, आर्मी डे बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 41 आता है हमारे सामने, कि निम्न में से कौन उच्च स्तरीय समूह का नेतृत्व करेगा जिसका नाम साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी है, तो कौन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आता है सी, राम विनय शाही है, जो क्या करेंगे, उच्च स्तरीय समूह का क्या करेंगे, नेतृत्व करेंगे, जिसका नाम होगा साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राम विनय शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 42 आता है, महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा पत्रकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है, तो 6 जनवरी को मनाया जाता है। ध्यान रखना है 6 जनवरी को क्या मनाया जाता है, पत्रकार दिवस मनाया जाता है। किसके द्वारा, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आता है 43, कि भारत के 51वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म की शुरुआत होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर डी आता है, एक और दौर फिल्म की क्या की गई, शुरुआत की जाएगी। ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक और दौर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आता है 44, कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कर्नल नरेंद्र कुमार बुल का हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया। वो किस फील्ड से बिलोंग करते थे, एक एक्टर थे, फुटबॉलर थे, पर्वतारोही थे या हॉकी प्लेयर थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है, एक माउंटेनर थे, पर्वतारोही थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पर्वतारोही माउंटेनर थे, जिनका हाल ही में 87 ईयर की एज में क्या हो गया है, देहांत हो गया है। ध्यान रखना है जिनका हाल ही में क्या हो गया है, 87 वर्ष की उम्र में क्या हो गया, देहांत हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 45 आता है, कि प्रसिद्ध व्यक्तित्व ब्राउन उरहाटे का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस देश के राजनायक के रूप में जाने जाते थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर बी, यूके के राजनायक के रूप में जाने जाते थे। ऑप्शन नंबर आता है बी, यूनाइटेड किंगडम के राजनायक के रूप में जाने जाते थे, जिनका हाल ही में 101 वर्ष की उम्र में क्या हो गया है, निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड से 7,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर प्राप्त किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर डी, एल एंड टी जो कंपनी लुरसो एंड टर्बो हाइड्रोकार्बन इंजीनियर्स ने क्या करा है, कि HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड से 7,000 करोड़ रुपए का क्या प्राप्त किया है, ऑर्डर प्राप्त किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आता है 47, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय पुलिस के 9 जर्नल का उद्घाटन किया है। तो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह, इन्होंने क्या किया है, नेशनल पुलिस के 9 जर्नल का क्या किया है, उद्घाटन किया है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए, अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 48 कि पाकिस्तानी प्रवासी महिला के कल्याण के लिए निम्नलिखित में से किस देश को मलाला यूसुफ जई छात्रवृत्ति अधिनियम पारित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर डी, यूनाइटेड स्टेट, संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्या किया है प्रवासी भारतीय महिला के कल्याण के लिए। अमेरिका ने देश को क्या किया है, मलाला यूसुफ जई छात्रवृत्ति अधिनियम पारित किया है। बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर डी, यूनाइटेड स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आता है 49 कि भारतीय सेना और लद्दाख में पेंगोंग त्यू झील में निगरानी और गश्त के लिए 12 फास्ट पेट्रोल बोट्स की क्या की गई है खरीद का अनुबंध किया गया है। तो बताना है कि ये कितनी है, इसके अंदर कौन सी कंपनी के साथ किया गया, भारतीय सेना, और ऑप्शन नंबर आता है बी, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने क्या किया है लद्दाख के अंदर पेंगोंग त्सो झील के अंदर निगरानी और गश्त मतलब सिक्योरिटी के लिए 12 फास्ट पेट्रोल बोट्स की क्या खरीद का अनुबंध किया है। ऑप्शन नंबर इसका आता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आता है 50, लास्ट क्वेश्चन है आज का ये कि निम्नलिखित में से किसे जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के अंदर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हाल ही के अंदर काफी स्टेट्स के अंदर हाई कोर्ट की अपॉइंटमेंट की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर बी, पंकज मित्तल को क्या किया गया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों की एक ही हाई कोर्ट है जम्मू कश्मीर के अंदर, और जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट के रूप में अपॉइंट किया गया है पंकज मित्तल को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्यारे बच्चों आज की क्लास में आप सबके लिए इतना ही, कल हमारी होगी मैराथन क्लास, तो आई होप आप सभी जने उस मैराथन क्लास के अंदर हिस्सा लेंगे, तो सभी जने कल उस मैराथन क्लास के अंदर जुड़ रहिए। आई होप आप काफी मन लगा के तैयारी कर रहे होंगे, तो आपकी तैयारी का चेकिंग करने के लिए आपकी एनटीपीसी से रिलेटेड, सीएचएसएल से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम जीएस पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे, रीजनिंग पढ़ेंगे और कुछ करंट अफेयर्स वगैरह भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपके खुश रहें, स्वस्थ रहें, घर पर रहें, खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स।